हेलो दोस्तों एंड वेलकम, आप देख रहे हैं के होम डिज़ाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस हाउस डिज़ाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, जिसकी डायमेंशन है 20x136 फीट। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस घर को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में आपको 4 बेडरूम मिल जाएंगे, देन फर्स्ट फ्लोर पर भी 4 बेडरूम मिल जाएंगे। दोस्तों ये प्लॉट एक्चुअली तीनों साइड से क्लोज है, सिर्फ फ्रंट साइड से ओपन है, इसलिए मैंने सेंटर में 2 डक्ट दिए हुए जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीका से हो सके। आपको सभी रूम में, किचन में, वॉशरूम में वेंटिलेशन की जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों काफ़ी लंबा सा स्पेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे सामने पार्किंग को डिज़ाइन किया हुआ, देन बैक साइड में गार्डन को भी डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों अगर आप भी अपने लिए हाउस का डिज़ाइन करवाना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, एलिवेशन पसंद आ रही होगी, जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमेशा की तरह दोस्तों डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इस प्रोजेक्ट फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप एक्सटीरियर भी ऑलरेडी देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एलिवेशन को डिज़ाइन किया हुआ। इसी तरह दोस्तों मैंने इसका इंटीरियर भी काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इस प्लान को अच्छे से देख लीजिए। इस प्लान को वॉक थ्रू के जरिए हम लोग इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 2 गेट मिल जाएगी जहाँ से आप घर में अंदर जा सकते हैं, एक बड़ी गेट मिल जाएगी जहाँ से आप कार पार्क वगैरह कर सकते हैं, देन एक छोटी गेट मिल जाएगी जहाँ से आप रेगुलर इन आउट हो सकते हैं। तो ये आपका पार्किंग का स्पेस दोस्तों, जहाँ पे आप आसानी से कार या बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। देन इसी पार्किंग में दोस्तों मैंने यहाँ पे सेंटर में एक स्पेस दिया हुआ जहाँ पे आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। देन पार्किंग से दोस्तों यहाँ पे आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगा घर के लिए। तो चलिए हम लोग इस एंट्रेंस से घर के अंदर चलेंगे। एंट्रेंस के बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ी साइज में विंडो मिल जाती है जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। मेन एंट्रेंस से दोस्तों घर के अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों मैंने सोफा वगैरह लगाया हुआ है, देन टी टेबल वगैरह भी लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा दोस्तों, इस लिविंग हॉल में यहाँ पे आपको बड़ी साइज में विंडो भी मिल जाती है जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। यानी इसी सोफा के फ्रंट वॉल पे दोस्तों मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट को भी फिट किया हुआ है। लिविंग हॉल से दोस्तों जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। डाइनिंग टेबल के जस्ट बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन को भी फिट किया हुआ, जहाँ से आप डिनर वगैरह करके आप यहीं पर वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप हाथ वगैरह धो सकते हैं। देन इसी वॉश बेसिन के बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक डोर दिया जाएगा, जो कि आपका कॉमन वॉशरूम होगा। तो चलिए हम लोग इस वॉशरूम को भी देख लेते हैं। ये आपका कॉमन वॉशरूम दोस्तों, जहाँ पे आपको शावर भी मिल जाएगा, पैन भी मिल जाएगा, वॉश बेसिन भी मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा जो आप वॉशरूम में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट साइड की ओर आपको 2x2 के विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो सके। ओवरऑल दोस्तों ये आपका वॉशरूम का डिज़ाइन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। इस वॉशरूम से निकल कर दोस्तों जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेयर मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। यहीं भी दोस्तों आपको डोर दिया जाएगा, जो कि आपका किचन का डोर होगा। तो चलिए हम लोग किचन को भी देख लेते हैं। ये आपका किचन दोस्तों, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से किचन में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो सके। ये विंडो दोस्तों मैंने डक में ओपन किया हुआ, जैसा कि मैंने आपको टॉप भी में दिखाया, मैंने डक दिया हुआ ताकि आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। बाकी बात दोस्तों, ये आपका किचन का डिज़ाइन था। तो चलिए इस किचन से निकल कर दोस्तों हम लोग बैक साइड की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों का 4 बेडरूम है। तो वन बाय वन हम लोग सभी बेडरूम को देखेंगे। इसमें दोस्तों आपको एक सेंटर में पूजा रूम भी मिलेगा। ये आपका कॉरिडोर दोस्तों, जहाँ पे आपको 4 बेडरूम के डोर मिल जाएंगे। ये आपका फर्स्ट बेडरूम दोस्तों, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, बेडरूम को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ, लाइटिंग का भी अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको बेडरूम के लिए डोर भी देखने को मिल रहा होगा। डोर के बगल में दोस्तों आपको विंडो भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपका डक्ट में ओपन है।
इस बेड के सामने वॉल पर दोस्तों मैंने टीवी यूनिट को भी फिट किया हुआ है। ओवरऑल दोस्तों ये आपका बेडरूम का डिजाइन है, जहाँ पे आपको बेड भी देखने को मिलेगा, कबर्ड भी देखने को मिलेगा, इसके बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस बेडरूम से निकल कर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका सिर्फ बेडरूम है, मास्टर बेडरूम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा। ये आपका सेकंड बेडरूम दोस्तों, जो कि आपका सिर्फ बेडरूम है, इसमें आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा। बट फिर भी दोस्तों मैंने बेडरूम को अच्छे तरीके से डिजाइन किया। यहाँ पे भी दोस्तों आपको विंडो मिल जा रही है, जहां से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। देन ओवरऑल दोस्तों ये आपका बेडरूम का डिजाइन है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन है एंड काफी इंटरेस्टिंग है। काफी सिंपल वे में दोस्तों मैंने बेडरूम को डिजाइन किया हुआ, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बेड देखने को मिल जाएगा, कबर्ड देखने को मिल जाएगा, टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाएगा, इसके बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। इस बेडरूम से निकल के दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपको सेंटर में एक पूजा रूम मिल जाएगा। देन इस पूजा रूम के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो और बेडरूम मिल जाएंगे। इसी पूजा रूम के बगल में दोस्तों आपको एक और डोर दी जाएगा, जो कि आपका बेडरूम है, जो थर्ड बेडरूम है। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने बेड लगाया हुआ, कबर्ड लगाया हुआ। देन बेड के सामने वॉल पर दोस्तों मैंने टीवी यूनिट को भी फिट किया हुआ। यहाँ पे भी दोस्तों आपको विंडो मिल जाती है, जहां से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो सके। दोस्तों आपको वेंटिलेशन की जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज के इस वीडियो में। देन ये ओवरऑल डिजाइन है दोस्तों आपका बेडरूम का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, ये डिजाइन पसंद आ रही होगी, जरूर वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। टोटल यहाँ पे दोस्तों आपको चार बेडरूम मिल जाएंगे, जो कि आपका दो मास्टर बेडरूम होगा। एक मास्टर बेडरूम हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, लास्ट ये आपका मास्टर बेडरूम है। बीच में दोस्तों जो है वो दोनों आपका कॉमन बेडरूम है, जिसमें आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा फर्स्ट वाला में, देन लास्ट वाला में। ये आपका लास्ट बेडरूम दोस्तों, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम को भी दोस्तों मैंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैक साइड की और यहाँ पे विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपके वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। देन ये आपका ओवरऑल डिजाइन है दोस्तों बेडरूम का, जहाँ पे मैंने बेड भी फिट किया हुआ। बेड के सामने वाल पे दोस्तों मैंने टीवी यूनिट को भी फिट किया हुआ। यहाँ पे दोस्तों आपको कवर भी देखने को मिलेगा, इसके बावजूद भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, ये आपका मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा। ये आपका वॉशरूम है दोस्तों मास्टर बेडरूम का। देन ये आपका बेड है दोस्तों, ये आपका कबर्ड दोस्तों। देन बेड के सामने आपने टीवी यूनिट को देख लिया। तो ये ओवरऑल डिजाइन है दोस्तों आपका बेडरूम का। यहाँ पे दोस्तों आपको फॉल सीलिंग में भी वर्क देखने को मिल जाएगा। दोनों मास्टर बेडरूम में दोस्तों आपको फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका चार मास्टर बेडरूम आज के इस हॉस्ट ईयर का। सेम एग्जिटिव दोस्तों, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर देखा, एग्जिट आप फर्स्ट फ्लोर पे भी डिजाइन कर सकते हैं। देन इस बेडरूम से निकल के दोस्तों बैक साइड की डोर से घर से बाहर चलते हैं, जहां पे दोस्तों मैंने गार्डन को डिजाइन किया हुआ है। बैक साइड से बाहर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्मॉल सा वरांडा मिल जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्राउंड फ्लोर में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, बैक साइड की और यहाँ पे मैंने गार्डन को डिजाइन किया। आप चाहे तो इसे और भी बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये डिजाइन पसंद आई होगी, ये एलिवेशन पसंद आया होगा, इंटीरियर व्यू पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियोज में अपने चैनल पर लाता रहता हूं, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।